जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक सीट पर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइम में आप सभी को कंपटीशन से बाहर निकलना है। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि जितने भी आपके सरकारी ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं, आप उनको कैसे चेकआउट कर सकते हो, कैसे आप सभी आवेदन कर सकते हो, A to Z जानकारी वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जहां से आप प्रत्येक ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद मैं आप सभी को एक वेबसाइट भी बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर वॉच करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है एंड वहां पर आप सभी को जाकर सर्च करना होगा फ्रेंड्स, रोजगार की खोज लिखकर आप सभी को सर्च करना है। आप यहां पर देख लेंगे, आप रोजगार की खोज लिखकर सर्च कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी के सामने रोजगार की खोज का जो ऑफिशियल ऐप है वो आप सभी के सामने नजर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी इसके 1000 प्लस डाउनलोड है। आप सभी जानते होंगे ऑफलाइन फॉर्म में बहुत कम कंपटीशन रहता है, तो अभी आपके पास टाइम है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आप सभी को क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड करना है, इस ऐप को आप सभी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप सभी को ओपन कर लेना है। जैसे आप सभी ओपन करेंगे तो आप यहाँ से प्रत्येक ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी, ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी आप इस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार का ये आपका ऐप ओपन होने वाला है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आपके यहाँ पर बीच वाली कैटेगरी, यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑफलाइन फॉर्म की भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेथड है कि आप इस रोजगार की खोज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऐप है फ्रेंड्स, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल जितनी भी आपकी सरकारी आपकी नौकरियाँ होती हैं, जितने भी सरकारी नौकरियों के ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, उन सभी की जानकारी आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा कि आप किस वेबसाइट से प्रत्येक सरकारी नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक सरकारी ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा रोजगार की खोज वेबसाइट को। आप सभी को क्या करना है, अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड वहां पर आप सभी को जाकर फ्रेंड्स सर्च करना होगा रोजगार की खोज। आप यहाँ पर एक बार स्पेलिंग देख लेंगे, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी के सामने जो रोजगार की खोज .com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सभी के सामने नजर आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, इसी वेबसाइट पर आप सभी को क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेस्कटॉप वर्जन में खोलना चाहो तो डेस्कटॉप वर्जन में खोल सकते हो, वरना आप नॉर्मल भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा आपकी इंडिया की नंबर वन फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट है जो हमारे देश भारत में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप सभी को क्या करना है, पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप सभी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की तो बहुत वेबसाइट है जहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो आप यहां पर स्पेशली मकसद है ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी आप प्राप्त करना, तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी में आपको आ जाना है। वैसे आप यहां पर ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट ट्रांसफर की सभी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, पर ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी को आपको देख लेना है। और जैसे आप यहां पर अभी आपकी भर्ती है, इंडियन बैंक झांसी से आपकी भर्ती निकली हुई है, आप सभी को क्या करना है, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने भर्ती से रिलेटेड जो डिटेल जानकारी है वो आप सभी के सामने नजर आ जाएगी। आप यहां पर कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, कि आपकी लास्ट डेट है, आप यहां पर देख पाएंगे। जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फी रखी गई है, आपके यहां पर एज लिमिट क्या है, वैकेंसी डिटेल के बारे में आप सभी को जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हो आपको अपने ऑफलाइन फॉर्म को बाय पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड करना होगा। तो आप यहां पर देखिए सेंडिंग एड्रेस को आप यहां पर आपको मिल जाता है, आपको कैसे सेंड करना होगा, आपको बाय पोस्ट आप सेंड करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और आप यहां से एप्लीकेशन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट को भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, यदि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप सभी डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहाँ से आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप कोई भी ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड करते हो तो आपको पर 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है, जो आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म PDF भी डाउनलोड
कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर 20 रुपये का चार्ज इसलिए लिया जाता है यदि आप किसी भी CSC केंद्र से फॉर्म को प्रिंट कराना चाहो तो लगभग आपका 150 से 200 रुपये का चार्ज ले लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी PDF को प्रिंट करने में। तो आप इस प्रकार प्रत्येक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप किसी के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इस प्रकार आप यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो ऑफलाइन फॉर्म PDF की, और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। यदि आपको कोई डाउट बचा हुआ है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.